रईस शेख साहब से कि यहाँ पे आपकी बात रखें। अरे भिवंडी वालों, आज हमारे बीच में सुप्रिया ताई आई हुई है, जयंत पाटिल साहब आए हुए, जोरदार स्वागत करो उनका। अरे ये जोरदार है क्या? मैं बहुत छोटा भाषण करूंगा। आज इस मंच पे भिवंडी शहर और ये ग्रामीण की एरिया में आए हुए हमारी बहन सुप्रिया ताई, जयंत पाटिल साहब, अनिल देशमुख जी, जितेंद्र अवार साहब और तमाम इंडिया अलायंस के आए हुए नेताओं के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। देश में जो संघर्ष चल रहा है, संविधान बचाने की जो लड़ाई चल रही है, आज मुझे इस बात का फख्र है कि भिवंडी के लोग इसमें सबसे आगे हैं। और जब इंडिया अलायंस के अंदर ये तय हुआ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ये सीट जाएगी और बाले मामा उर्फ सुरेश मात्रे साहब को टिकट मिलेगी, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने इसका स्वागत किया, सबसे पहले स्वागत किया। हमने बिन शर्त, बिना किसी बात के, कुछ नहीं कहते हुए पूरी समाजवादी पार्टी सड़क पे आ गई। और मुझे इस बात का फख्र है जयंत पाटिल साहब कि आज भिवंडी से निकली हुई ये आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज रही है और आज आप देखिएगा 20 तारीख को एक सैलाब की तरह हम लोग जाएंगे और दो नंबर का बटन दबाएंगे। दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? अरे बोलो बाले मामा, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? और जितेंद्र अवार साहब ने एक अच्छी बात की कि जिस तरह से यहाँ पे जोश है, उसी तरह से 20 तारीख को ये तुतारी जो आदमी बजा रहा है, जो दो नंबर बटन पे, कितने नंबर बटन पे भाई? अरे मेरी बहनों बताओ कितने नंबर बटन पे? दो नंबर बटन पे। मैं बाले मामा को कहता हूं कि आप जाके जो है 7 बजे देखना, भिवंडी शहर की जितनी भी मशीन होगी ना, उसका बटन पूरा काला हो चुका होगा, क्योंकि इतनी बार दबाया जाएगा, जितनी बार दिल से निकला है मोदी हटाओ, उतनी बार वो बटन दबाया जाएगा। दबाया जाएगा कि नहीं दबाया जाएगा? यस। और इस बार जोश के साथ होश भी। हमारी बहनें, मैं नौजवानों से खास तौर से कहता हूं कि आज ये सभा के बाद से लेके 20 तारीख को आखिरी वोट डाले तक हम सोएंगे नहीं। अरे हमारे बुजुर्ग रोजा रखेंगे, हमारी बहनें रोजा रखेंगी, क्योंकि आज हमको मिला है कि 10 साल के बाद इस सरकार को हम जवाब देंगे। और सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, आज या मंचावर में विनंती करतो है संपूर्ण भिवंडी से लोकांना, तुम्ही अग्री आहोत, तुम्ही कुंभी आहोत, तुम्ही काय पण आहोत, तुम्ही भारतीय आहात आणि भारतीय संविधानासाठी तुम्ही 20 तारखेला तुतारीसला मत द्या। देणार की नाही देणार? बस मैं लंबा नहीं बोलूंगा, ताई को और सबको जाना है, लेकिन एक बार बाले मामा किधर है? बाले मामा से कहूंगा, बाले मामा ये हमारा वचन है, MP बन के ताई के साथ जाना है तुमको पार्लियामेंट में, भिवंडी का प्रतिनिधित्व करना है। करना है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, बाले मामा MP है कि नहीं? और उसके बाद बहुत सारे हमारे इशू है, हमारे तोरण का इशू है, IGM का इशू है, सड़क का इशू है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की। आप सबने इतनी ताकत के साथ यहाँ के बाले मामा को सपोर्ट किया, मेरे भाई बाले मामा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बस यही चाहता हूं, मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा। बाले मामा, ये जोश नहीं होश भी है, और 20 तारीख को आपका रिजल्ट ऐसे ही निकलेगा। 4 जून को यही सब लोग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे MPs को देश के सामने रखेंगे। आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र, जय इंडिया आघाड़ी। बहुत धन्यवाद रईस भाई। अब हम विनंती करूंगा स्वाति, आता है यानंतर रुपेश मात्रे आपल्याला संबोधित करतील। स्वाती कांबळे।